हमारे देश की व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आमतौर पर इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही किसी क्षेत्र के कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं और व्यवस्था डगमगा जाती है, तब हमें महसूस होता है कि हम जिनको इग्नोर कर जाते हैं उनका हमारे जीवन को सुचारू बनाने में कितना योगदान है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इन्हें हड़ताल की जरूरत पड़ जाती है? आखिर कौन है जो इनकी मांगों को, इनकी जरूरतों को इग्नोर करता है? क्या आम जनता नहीं चाहती कि इन कर्मचारियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण ना हो? अगर ऐसा नहीं तो फिर इन्हें किससे शिकायत है? चपरासी के पद की नियुक्ति का अधिकार उसे एक पायदान ऊपर के अधिकारी के पास होता है। जाहिर है चपरासी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार भी उसी नियुक्ता अधिकारी के पास होता है, और ठीक उसी तरह की व्यवस्था उस अधिकारी के लिए भी होती है जिसने चपरासी को नियुक्त किया। फिर ऐसा क्यों होता है कि चपरासी से लेकर ऊपर तक के अधिकारी समय समय पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं? क्या हर स्तर पर अधिकार रखने वाले कर्मचारी अपने से नीचे के कर्मचारी का शोषण कर रहे हैं? कर्मचारियों की समस्या क्या वर्ग संघर्ष है? चलिए आज एक ऐसे ही विभाग की व्यवस्था को अंदर से निहारते हैं जिसके अंदर झांकने की मनाही के कारण अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। आकाशवाणी। जी हाँ, आकाशवाणी को हम सिर्फ रेडियो के माध्यम से सुनकर जानते हैं, लेकिन इस प्रसारण को हम तक पहुंचाने वाले भी आम कर्मचारी ही हैं। अन्य विभागों की तरह इनकी भी कुछ बुनियादी समस्याएं होती हैं। ये आकाशवाणी के नियमित कर्मचारी हैं जो प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। इसी तरह आकाशवाणी के अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों को 30 साल से प्रमोशन का लाभ नहीं मिला। ठीक इसी तरह आकाशवाणी के अनियमित कर्मचारियों को 30 साल के बाद भी नियमितीकरण का लाभ नहीं मिला। प्रमोशन की मांग कर रहे नियमित कर्मचारी सहायक केंद्र निदेशक और कार्यक्रम अधिकारी हैं। वहीं नियमितीकरण की मांग कर रहे अनियमित कर्मी कैजुअल अनाउंसर और कंपियर्स हैं। प्रमोशन की मांग कर रहे नियमित अधिकारियों में से कुछ ने अदालत में न्याय की गुहार लगाई। वहीं दूसरी ओर नियमितीकरण की मांग कर रहे कैजुअल अनियमित कर्मियों में से कुछ ने भी अदालत में न्याय की गुहार लगाई। अदालत ने नियमित अधिकारियों के पक्ष में निर्णय कर प्रसार भारती महानिदेशालय को प्रमोशन की कार्यवाही करने का आदेश दिया, और इसी तरह अदालत ने अनियमित कैजुअल कर्मियों के पक्ष में निर्णय कर प्रसार भारती और महानिदेशालय को नियमितीकरण की कार्यवाही करने का आदेश दिया। प्रसार भारती और आकाशवाणी महानिदेशालय ने प्रमोशन और नियमितीकरण संबंधी अदालत के दोनों आदेशों पर कोई अमल नहीं किया, बल्कि जहां एक ओर प्रमोशन की मांग कर रहे अधिकारियों को प्रताड़ित करने व उनका हक छीनने के लिए उनके स्थान पर दूसरे विभागों से डेपुटेशन कर अधिकारी आयात कर लिए गए, वहीं दूसरी ओर नियमितीकरण की मांग कर रहे अनियमित कैजुअल कर्मियों को हटाने के लिए रीस्क्रीनिंग और प्रताड़ित करने के लिए उनके स्थान पर नई भर्ती के आदेश जारी कर दिए गए। प्रताड़ना से परेशान होकर प्रमोशन से वंचित अधिकारियों ने संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद की, धरना प्रदर्शन किया, और इसी तरह विभागीय अन्याय के खिलाफ कैजुअल अनाउंसर कंपियर्स ने अपना संगठन बनाकर धरना प्रदर्शन किया, नियमितीकरण की मांग की। अब यहाँ उल्लेखनीय ये है कि प्रसार भारती द्वारा नियमित अधिकारियों की प्रताड़ना की नीति में जिस प्रकार निदेशालय स्थित उच्च पदों पर बैठे कुछ अधिकारियों ने सहयोग किया, ठीक उसी प्रकार निदेशालय द्वारा कैजुअल कर्मियों को प्रताड़ना की गलत नीतियों में कुछ केंद्र निदेशक, सहायक निदेशक व कार्यक्रम अधिकारियों ने साथ दिया। देखा जाए तो जिस तरह केंद्र स्तर के अधिकारियों को अनाउंसर कैडर खटकता रहा, शायद उसी तरह महानिदेशक या अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को केंद्र स्तर के अधिकारियों की तरक्की खटकती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या किसी और को लाभ न मिलने देने की मानसिकता, या कहें कुत्सित मानसिकता के कारण ऐसी स्थिति है, या कोई और बात है? कहीं ये वर्ग संघर्ष तो नहीं कि जिसने एक बार उच्च स्थिति हासिल कर ली वो वर्ग नहीं चाहता कि उससे निचले वर्ग को भी उसका लाभ मिले? क्या न्याय की भावना मर गई है, या न्याय के मामले में हम चूजी या सिलेक्टिव होते जा रहे हैं, या हम पहले से ही ऐसे हैं? गलती संस्कारों की है या इंसानी प्रवृत्ति की? जबकि हम एक सांस्कृतिक संस्था के लिए काम कर रहे हैं,